हे गाइस, मैं हूँ सीमा और दावत चैनल पर आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, खूबसूरत सा और रिफ्रेशिंग ऑरेंज फ्लेवर का केक लेकर आई हूँ। ये केक जितना दिखने में खूबसूरत है ना गाइस, खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। एकदम रिफ्रेशिंग फ्लेवर है। अगर आप कुछ रिफ्रेशिंग और फ्लेवरफुल खाना चाहते हैं, टेस्टी सा कुछ खाना चाहते हैं, तो आप ये ऑरेंज फ्लेवर का केक ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। आप लोगों को ये केक बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर और दावत चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। तो केक बनाना शुरू करने से पहले मैंने यहाँ पर 6 इंच का जो ये एल्युमिनियम का टिन है उसे तेल से थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है, जैसे मैं हर वीडियो में बनाकर आपको दिखाती हूँ। बस इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स आपको तेल डालना है और उसके बाद थोड़ा सा ब्रश से आपको इसे ग्रीसिंग करना है और बाद में एक बटर पेपर का छोटा टुकड़ा भी डालना है। 6 इंच का टिन मैंने आज यहाँ पर लिया है और ये ग्रीसिंग करके रख दिया है। चलिए अब केक के लिए बैटर बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप के करीब ये वनीला फ्लेवर का प्रीमिक्स लिया है। 1.5 कप यानी कि 200 ग्राम मेरा जो कप है वो 200 ml का है। इसमें मैं 2 छोटी चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल या जो रिफाइंड ऑयल होता है वो भी डाल देती हूँ। और बस यहाँ पर मैंने 200 ml के करीब पानी लिया है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी हम लोग इसमें मिलाकर एक स्मूथ बैटर इसका तैयार कर लेंगे। इसमें गाँठे या कोई भी लम्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। अगर आप चाहे तो जो इलेक्ट्रिक बीटर होता है उसका भी इस्तेमाल इसे फेंटने के लिए कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर विस्कर से ही इसे इस तरह से स्मूथ तैयार कर लिया है, देख सकते हैं। एकदम से ही पानी ऐड नहीं करना है गाइस। देखिए, मुझे लगभग यहाँ पर 150 ml के करीब पानी लगा है। अलग अलग प्रीमिक्स होता है, अलग कंपनी का, अलग ब्रांड का, तो पानी की क्वांटिटी भी डिफरेंट हो सकती है। 1/2 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पर ऑरेंज फ्लेवर का एसेंस इसमें डाल दिया है, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पर ऑरेंज फ्लेवर का ये केक बनाने जा रहे हैं। तो चलिए, बैटर हमारा तैयार है। अब मैंने इस ग्रीस किए हुए टिन में ये जो बैटर है वो डाल दिया है। 2 से 3 बार टैप करने के बाद हम लोग इसे बेक करने के लिए रख सकते हैं। इसे बेक करने के लिए मैंने यहाँ पर ये जो एल्युमिनियम का मोटे तले वाला हैवी बॉटम वाला जो पतीला है उसे 10 मिनट तक लो फ्लेम पर ही प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। और ये प्रीहीट होने के बाद हम लोग इसमें केक टिन रखकर ऊपर ढक्कन रखकर इसे 35 मिनट तक लो फ्लेम पर ही बेक कर लेंगे। तो पूरे 35 मिनट्स कंप्लीट होने के बाद हमारा केक इस तरह से तैयार हो जाता है। मुझे केक बेक करने में 35 मिनट लगे हैं। आपको 35 या 40 मिनट, 5 या 7 मिनट कम या ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें टूथपिक डालकर चेक कर लेते हैं कि ये अंदर तक बेक हुआ है कि नहीं। अगर टूथपिक को थोड़ा सा भी बैटर चिपक जाता है ना, तो आप इसे और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ही बेक कर लीजिए। हमारा केक पूरी तरह से बेक हुआ है। अब हम लोग इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। कम्प्लीटली कूल होने तक हम लोग व्हिपिंग क्रीम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसी कप से, जिस कप से हमने प्रीमिक्स लिया था ना, उसी कप से 1.5 कप के करीब क्रीम जो है वो इसमें डाल दी है। क्रीम एकदम ठंडी और चिल्ड होनी चाहिए। तो क्रीम हमारी यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर से तैयार करने के बाद तैयार हो चुकी है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर आपको शुगर सिरप भी कैसे तैयार करना है वो भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसी कप से 50 ml पानी लिया है, देख सकते हैं, और उसमें मैं 2 चम्मच यहाँ पर पाउडर शुगर या जो पिसी हुई हमारी घर की चीनी होती है वो डाल देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शुगर सिरप कितना डालना है वो भी पता नहीं होता है। तो आप अगर 1/2 kg केक बनाने जा रहे हैं तो आपको 50 ml के करीब शुगर सिरप उसमें यूज़ करना होगा, तभी आपका केक सॉफ्ट और मॉइस्ट और एकदम स्पॉन्जी बनता है। आप चाहे तो इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स इस तरह का एसेंस भी डाल सकते हैं जो आप केक बनाने जा रहे हैं उस तरह का, लेकिन मैंने यहाँ पर जो इसेंस है वो नहीं डाला है, सिर्फ प्लेन शुगर सिरप तैयार किया है। तब तक हमारा स्पॉन्ज भी यहाँ पर ठंडा हो चुका है। चलिए इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। तो देख सकते हैं, एकदम सॉफ्ट और जालीदार हमारा स्पॉन्ज तैयार हुआ है। आज मैंने यहाँ पर पिल्सबरी का जो वनीला फ्लेवर का एगलेस प्रीमिक्स मिलता है उसका यूज़ किया है। तो चलिए अब हम लोग इसके 3 लेयर्स छोटे छोटे कट कर लेते हैं। चाकू की मदद से या धागे की मदद से आप लोग इसके लेयर्स इस तरह से कट कर सकते हैं। देखिए अंदर से भी कितना जालीदार हमारा केक तैयार हुआ है। अगर आपके पास प्रीमिक्स नहीं भी है ना गाइस, तो आप मैदे से भी इतना ही सॉफ्ट और टेस्टी केक घर पर ही बना सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये जो 50 ml के करीब जो शुगर सिरप था वो मैंने इस बॉटल में भर दिया है, और बस इस तरह से अच्छी तरह से पहली वाली जो लेयर है वो सोख होने तक हमें इसके ऊपर पानी डालना है। 4 से 5 चम्मच के करीब तो ये शुगर सिरप आपको इसमें डालना ही है। और बस इसके ऊपर हमारी जो तैयार व्हिप क्रीम थी वो भी मैंने इसके ऊपर लगा दी है। और यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून के करीब जो ऑरेंज क्रश मार्केट में मिलता है वो भी इसके ऊपर डाल दिया है।
बहुत ही ज़्यादा टेस्टी इससे आपका केक बनता है गाइस। आज मैंने यहाँ पर मैप्रो कंपनी का जो ऑरेंज का क्रश है वो यहाँ पर यूज़ किया है, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर इससे मिलता है। तो चलिए दूसरी लेयर भी हमने इसके ऊपर रख दी है, अब इसे भी हम लोग शुगर सिरप से सोक कर लेंगे। शुगर सिरप आपको 4 से 5 छोटी चम्मच डालना ही है, तभी आपका जो स्पॉन्ज है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। बाद में जब हम लोग केक खाते हैं तब ये एकदम माउथ मेल्टिंग होता है, मुंह में जैसे खुल जाता है, जैसे बेकरी के केक होते हैं ना, सेम उसी तरह से। अब जो विप क्रीम है उसके ऊपर फिर से हमने ये जो ऑरेंज क्रश है वो भी डाल दिया है। अब हमने यहाँ पर थर्ड लेयर यानी कि जो लास्ट लेयर है वो भी इसके ऊपर रख दी है। अब इसे भी हमें शुगर सिरप से सोक करना है। देखिए गाइस, पूरा जो 50 ml शुगर सिरप था वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, सिर्फ 1 या 2 छोटी चम्मच इसमें बच चुका है। तो इतना शुगर सिरप मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। बहुत सारे जो बिगनर हैं उन्हें पता नहीं है कि कितना शुगर सिरप यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि इतना ही आपको डालना है, लेकिन लगभग इतनी क्वांटिटी में अगर आप लोग डालेंगे तो आपका जो केक है वो एकदम सॉफ्ट बनता है, मॉइस्ट बनता है, जैसे बेकरी में मिलता है। तो चलिए अब इसके बाद मैंने यहाँ पर केक के साइड्स में और केक के टॉप के ऊपर इस तरह से क्रीम लगा ली है, और इसे हम लोग पैलेट की मदद से इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे, केक की आइसिंग कर लेंगे। अगर आप इस तरह की आइसिंग सीखना चाहते हैं तो इसका भी एकदम डिटेल वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा फास्ट में दिखा रही हूँ। तो अब हम लोग यहाँ पर शेडिंग का इफ़ेक्ट देने जा रहे हैं साइड में। तो इसके लिए मैंने येलो कलर की जो विप क्रीम है इससे एक लाइन साइड में खींच दी है, और ऑरेंज कलर की एक लाइन भी हम लोग इसके नीचे इस तरह से निकाल लेंगे। देख सकते हैं बीच में आपको कुछ भी नहीं करना है, बीच की जो जगह है वो मैंने खाली छोड़ दी है इस तरह से। और यहाँ पर एक छोटा सा प्लास्टिक का मैंने टुकड़ा लिया है, चाहे तो आप स्क्रैपर या जो प्लेन फाइल का टुकड़ा आता है वो भी ले सकते हैं। और बस आपको टर्न टेबल धीरे धीरे घुमाते हुए इस तरह से शेडिंग का इफेक्ट देना है। देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोनों जो क्रीम है वो आपस में इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से मिल जाती है कि एकदम परफेक्ट शेडिंग का इफेक्ट यहाँ पर मिल जाता है। और ऑरेंज और येलो कलर साथ में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए अब यहाँ पर टॉप के ऊपर जो एक्स्ट्रा की क्रीम आई है ना, उसे हम लोग एकदम हल्के हाथ से पैलेट की मदद से निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस केक की आइसिंग कंप्लीट कर दी है। चाहे तो आप लोग इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर आज जिगजैग वाला स्क्रैपर होता है उसका यूज़ नहीं किया है। आज हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके का डिज़ाइन यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने जो ऑयल ब्रश होता है उसकी मदद से इस तरह की डिज़ाइन बनाई है। देखिए कितनी ज़्यादा ये खूबसूरत लग रही है। तो आप भी इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। तो आज मैंने यहाँ पर चॉकलेट गनाश का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं था और मुझे केक जल्दी भी बनाना था। अगर आप चाहें तो चॉकलेट गनाश बनाकर ये भी इसके ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आज ये जो मार्केट में चॉकलेट सॉस रेडीमेड मिलता है उसका यूज़ किया है। तो अब मैंने केक टॉप के ऊपर इस तरह से ये चॉकलेट सॉस है वो डाल दिया है। अब मैं उसी छोटे फाइल के टुकड़े की मदद से इस तरह से इसे केक के टॉप के ऊपर स्प्रेड कर देती हूँ, फैला देती हूँ। देखिए इस तरह से आपको करना है। अगर आप सॉस नहीं भी यूज़ करना चाहते तो चॉकलेट गनाश भी यूज़ कर सकते हैं। अब साइड में हम लोग यहाँ पर ड्रिपिंग इफ़ेक्ट दे रहे हैं। देखिए इस तरह से बस एक एक ड्रॉप आपको ये जो चॉकलेट सॉस है ये इसके साइड में छोड़ना है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको ये चॉकलेट सॉस इसके ऊपर नहीं डालना है, क्योंकि ये थोड़ा सा लिक्विड होता है ना, तो वो जल्दी से नीचे आ जाता है, जैसे मेल्ट हो जाता है। तो इस तरह से मैंने जस्ट एक एक ड्रॉप इसके साइड में डाल दिया है, और ये दिखने में ड्रिपिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। अब इसके बाद हम लोग केक टॉप के ऊपर थोड़ा सा डेकोरेशन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 ml नंबर का नोज़ल लिया है, और उसमें येलो और ऑरेंज कलर की शेडिंग वाली क्रीम भी डाल दी है। दोनों कलर की क्रीम तैयार करके आपको पाइपिंग बैग में भर देनी है, और इस तरह से मैं ये जो डिज़ाइन है वो इस केक टॉप के ऊपर निकाल देती हूँ। देखिए कितना ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहा है, नीचे का ब्लैक और ऊपर ऑरेंज और येलो कलर का शेडिंग। अगर आप लोग केक का जो कलर कॉम्बिनेशन होता है वो अगर ध्यान में रखते हुए केक बनाएंगे ना गाइस, तो वो जो केक है वो बहुत ज़्यादा खिलकर दिखता है, बहुत ज़्यादा वो खूबसूरत दिखता है। तो पहले आपको कलर कॉम्बिनेशन के ऊपर भी ध्यान रखना है। तो ये जो हमने 1 ml नंबर से डिज़ाइन बनाई थी उसके बीच में मैंने थोड़ा सा चॉकलेट गार्निशिंग जो मैंने घर पर ही बनाई थी वो इसके बीच में रख दी है, और उसके ऊपर थोड़े से गोल्डन कलर के जो शुगर बॉल्स मिलते हैं वो भी डाल दिए हैं। ये डेकोरेशन बिल्कुल ऑप्शनल है, आप लोग जिस भी तरह से इसे डेकोरेट करना चाहते हैं कर सकते हैं।
अब इसके ऊपर हम लोग दावत चैनल का जो नाम है वो भी लिखने जा रहे हैं। ये जो केक है गाइस, वो आप लोगों को पता ही है, वो मैंने कल बनाया था, जब हमारे दावत चैनल को कल ही 2 साल कंप्लीट हुए हैं उसकी खुशी में मैंने ये केक बनाया था और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। तो एक बार ये रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और हमेशा की तरह अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है, पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट शेयर, और दावत चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ या नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।